हेलो बच्चों, हम आज क्लास 6 की साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक चैप्टर के हैं जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। इसके कुछ क्वेश्चंस इससे पहले दो वीडियोस में आप देख लेना, वो कर उसमें मैंने आपको बताए होंगे। फिर हम आज उसके आगे करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, ए बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स। How do you find out near which end is its north pole located? कह रहे हैं कि जो एक बार मैग्नेट होता है उसको कोई मार्किंग नहीं होती है कि ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, तो आप ये कैसे पता करोगे कि कौन सा एंड जो है वो नॉर्थ पोल है, कौन सा साइड, कौन सा सिरहा वो नॉर्थ पोल है, वो कैसे पता चलेगा? तो आंसर है, हैंग अप द मैग्नेट बाई लाइट थ्रेड सो दैट इट हैंग्स फ्रीली। कह रहा है कि जो उस मैग्नेट है उसको धागे के साथ बांध के उसको लटका दो। वेन इट कम्स टू रेस्ट वी नोटिस दैट द मैग्नेट इज लाइंग इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब कुछ देर के बाद वो जब रेस्ट पोजिशन पाएगा, वो जब हिलना डुलना बंद कर देगा, तो हमें पता चलेगा कि वो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में की तरफ मूव करेगा, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एक एक सिरा उसका नॉर्थ की तरफ होगा और दूसरा सिरा साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा। फिर अगला क्वेश्चन, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। तो कह रहे हैं कि आपको एक आयरन यानी लोहे की एक स्ट्रिप दी जाएगी, जिस और कह रहे हैं कि आप इसको मैग्नेट कैसे बना सकते हो। ये मैंने आपको अपने वीडियो में, जब मैं आप क्लास दे रहा था तब भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं। आंसर क्या है इसका, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन बार। जो एक रेक्टेंगुलर शेप का एक लोहे का टुकड़ा ले लेंगे, टेक अ बार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ इट्स पोल्स विद वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। तो कह रहे हैं कि हमें वो मैग्नेट को उठाना है और उसको कॉन्टैक्ट में मैग्नेट को, वो जो बार मैग्नेट उसको उठाना है और उस एक एज से उस शुरू करना है। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो जो वो लोहे का स्ट्रिप है उसके एक एज से शुरू करना है, वहाँ पे रखना है। या कि मान लो ये एक लोहे की स्ट्रिप है और ये एक आयरन बार है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मान लो ये आयरन बार की एक स्ट्रिप है, तो ये ऐसे एंड से शुरू करना है, ठीक है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। कह रहे हैं कि इसको क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ तक ऐसे ड्रैग करते जाना है इस डायरेक्शन में, और जब तक जब ये यहाँ पहुँच जाएगा इसको तब तक उठाना नहीं है। लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विद टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन। तो इसको क्या करना है, जब यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ से उठाना है, तब फिर वापस यहाँ पर रखना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, तो ये कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। फिर क्या करना है, मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर, रिपीट दिस प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्या करना है, ये 30 से 40 टाइम्स आपको यही चीज़ करना है। देखो ये यहाँ पे हमने मैग्नेट रखा, ये बार, ये वो है लोहे का पीस है ऐसे रेक्टेंगुलर, ये बार मैग्नेट है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे रगड़ा, यहाँ पे उठाया, यहाँ से वापस लाया, फिर यहाँ पे ऐसे किया, ये रिपीट करते जाना है 30 से 40 बार कम से कम। फिर क्या करना है, फिर ब्रिंग फ्यू ऑन पिन्स नियर टू द आयरन बार एंड चेक इफ इट इज कन्वर्टेड टू ए मैग्नेट और नॉट। फिर क्या करना है, कुछ पिन्स लाने, छोटे छोटे पिन्स होते हैं लोहे की, या लोहे के कुछ छोटे छोटे से टुकड़े, वो लाने,
और देखना है कि जो हमारा जो ये मैग्नेट है, ये जो लोहे का टुकड़ा था या लोहे का पीस था, ये मैग्नेट में बदल गया है कि नहीं। वो कैसे होगा? जब ये इसके साथ छोटे छोटे वो टुकड़े चिपकेंगे, तो इसका इसका मतलब है कि ये जो हमारा जो लोहे का पीस था, ये मैग्नेट बन गया है। ठीक है, अगर ये नहीं बना, बाई चांस अगर ये नहीं बना, तो आपको ये फिर से करना है, तो ये बन जाएगा।